यूको बैंक ने यशोवर्धन बिरला को विलफुल डिफॉल्टर घोषित कर दिया है। उनकी कंपनी बिरला सूर्या लिमिटेड पर बैंक के 67.55 करोड़ रुपए बकाया है। न्यूज एजेंसी ने सोमवार को यह जानकारी दी। SBI, PNB और बैंक ऑफ इंडिया के कंसोर्शियम के साथ यूको बैंक ने बिरला सूर्या को लोन दिया था। बिरला सूर्या लिमिटेड में यशोवर्धन बिरला डायरेक्टर हैं। वे यश बिरला ग्रुप के चेयरमैन भी हैं। बिरला सूर्या के डायरेक्टर, प्रमोटर और गारंटर विलफुट डिफॉल्टर घोषित यूको बैंक की ओर से जारी सार्वजनिक नोटिस के मुताबिक बैंक की मुंबई स्थित नरीमन पॉइंट कॉरपोरेट ब्रांच से बिरला सूर्या को 100 करोड़ रुपए की क्रेडिट लिमिट दी गई थी। इसमें से 67 करोड़ रुपए और उसका ब्याज नहीं चुकाने की वजह से बैंक ने 3 जून 2013 को कर्ज NPA घोषित कर दिया था। बैंक के कई नोटिस मिलने के बावजूद कंपनी ने कर्ज नहीं चुकाया। बैंक ने अब कंपनी के डायरेक्टर, प्रमोटर और गारंटरों को विलफुल डिफॉल्टर घोषित कर दिया है। RBI के निर्देशों के मुताबिक विलफुल डिफॉल्टर को बैंकों या वित्तीय संस्थानों की ओर से कोई कर्ज नहीं दिया जाता। कंपनी पर 5 साल तक नए उद्यम लाने पर रोक लग जाती है। कंपनी और डायरेक्टर्स के खिलाफ कर्ज अदाता आपराधिक कार्यवाही भी शुरू कर सकता है। यशोवर्धन के परदादा ने यूको बैंक की स्थापना की थी। घनश्याम दास बिरला यूको बैंक के फाउंडर थे। उन्होंने 1943 में कोलकाता में बैंक की स्थापना की थी। वे यशोवर्धन बिरला के परदादा रामेश्वर दास बिरला के भाई थे। 1969 में सरकार ने यूको बैंक का अधिग्रहण कर लिया था। यूको बैंक ने 665 विलफुल डिफॉल्टर्स की लिस्ट जारी की है। इनमें जून डेवलपर्स 309.50 करोड़ रुपए, फर्स्ट लीजिंग कंपनी ऑफ इंडिया 142.94 करोड़ रुपए, मोजर बेर इंडिया 122.15 करोड़ रुपए और सूर्या विनायक इंडस्ट्रीज 107.81 करोड़ रुपए शामिल हैं।